देख रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहरीली शराब पीने से एक की हुई मौत। पूरा मामला हमीरपुर जनपद के राठ कोतवाली के अंतर्गत आने वाले टिकरिया गांव का है, जहां पर शाम को शराब पीने से एक व्यक्ति की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसको आज सुबह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज उरई के लिए रेफर कर दिया, जिसकी रास्ते पर ही मौत हो गई। मृतक के भाई ने आरोप लगाया कि कपिल बर्धा के यहाँ से अवैध देशी शराब टिकरिया निवासी राहुल खरीद कर लाता है और गांव में बेचता है, जिसको पीने से आज मेरे भाई की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिंकू, क्या घटना हो गई है? ये दो तीन दिन से बराबर दारू पी रहे हैं, और ये क्या है कि मतलब जिस दिन से मैं दिल्ली से आया इसको बराबर समझा रहा हूँ, तो ये बोल रहा मैं ऐसे पीऊँगा दारू, और घर से कोई झगड़ा भी नहीं हुआ है। तो गांव का एक लड़का है, तो उसको बार बार फ़ोन करता था कि मतलब दारू दारू, तो वो एक दो बार वो लड़का देने के लिए आया, और तो मैंने उसको समझाया कि मतलब इसको दारू वारू मत दो, तो वो बोला मैं बेचता ही नहीं हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं बेचता। फिर एक दिन इसने फ़ोन किया उसको, फिर मैंने उसको मना किया, फिर मैंने इसके बाद उसके घर पे जाके कल इसको डांटा, तो उसकी मम्मी आ गई तो बोल रहा है बेचते नहीं है, मैं नहीं बेचता, कैसे नहीं बेचता। दो तीन दिन पहले ये पेटी लेकर के आया था, ये सप्लाई कर रहा है। मैंने कहा थाने में जाके हम लोग रिपोर्ट कर देंगे, तो वो बोला जाओ कर दो, जब मैं बेचते ही नहीं। फिर उसके बाद इसको बीमार हो गया, मतलब दारू पी गई, उसके बाद इसकी दारू कैसी थी? अवैध दारू थी क्या? जहरीली, हाँ जहरीली, ये जो डीमैक्स की टैबलेट की मिली हुई गोलियाँ, वो दारू आती है ना ये। अच्छा, मिलावटी शराब थी? हाँ मिलावटी दारू है। कौन बेचता था? ये एक तो लड़का बर्दा का है, और ये एक राहुल टिकरिया का, उसने देखो नंबर भी बंद कर लिया।